किलो नहीं बने, अर्धे राजस्थान में चिरा बने तो बुढ़ो बने को हम बदल फूटिया ढोल नाग बनाओ को काय पर जयपुरवाड़ी ने बनाओ आज बुढ़ा ने बनावा है ना अगर बुढ़ो लिखा है तेरे में जुड़ा तो जरा शेर कमी तो कोई नहीं है पर काम दे काम का उलू बना बना क्यों। तो जकी लाल डायरी काली डायरी हैबी के बारे में एक आर्टिकल है जो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि लाल डायरी काली डायरी अमित शाह जी हैं बेबी के बारे में बोल रहे हैं, बी के बारे में थारू के विचार है? सही बात तो यह है कि मैं तो प्रातः से ही आज या पूरी रात से ही व्यस्त था। रात को देर रात्रि माननीय महामहिम जी उपराष्ट्रपति जी का संदेश प्राप्त हुआ कि सुबह आना है और सुबह मॉर्निंग वॉक करके जल्दी तैयार होकर वहाँ चला गया था। मैंने पढ़ा तो नहीं है पर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि अब उदयपुर वाटी में ये डायरी फायरी का मामला बंद हो चुका क्योंकि डायरी वाला ही नहीं रहा यहाँ पिछले 10 दिन से, पता नहीं है भी कि नहीं कहाँ चले गए। पर यह है कि इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ये इसमें कोई दम नहीं था इस बात में, ये एक प्रोजेक्टेड चीज़ थी सरकार के कारनामे काले कारनामे थे जो उन्होंने 5 साल में किए हैं, उनको डायरी में लिखने की जरूरत नहीं। राजस्थान की जनता के वक्ष स्थल पर सीने में एक एक पाप लिखा हुआ है सरकार का किया हुआ, उन्होंने क्या क्या अन्याय किए हैं वो जनता के दिल में हैं, उनके सीने में लिखी हुई हैं और वो आने के समय जब आएगा तो उसका फैसला कर देंगे। जन संघर्ष यात्रा अंतिम पड़ाव में आ रही है तो अब तक को थारो अनुभव जनता थार साथ जुड़ रही है के बारे में विचार? ये सैलाब जो उमड़ रहा है ये अंतिम समय तक साथ रहेगा और यह परिवर्तन करके ही छोड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। एक अंतिम चटपटो सवाल है कि बीजा जय में खड़े हो तो थाने जय के केड़ा से तोल रहा तो एक बच्चों बोल रहे हो कि नेता तो मोटो ही होना चाहिए जो केड़ा तो ज़्यादा पानती आवे। ये बच्चे हैं, बच्चों का अपना विचार है और इसमें भी कोई दोहरा नहीं, अच्छा है केले तो जितने बटेंगे उतने ज़्यादा अच्छे हैं। तो डाइट बढ़ाओगे कि डाइट बढ़ाने की जरूरत नहीं, उस बच्चे का सम्मान बढ़ाएंगे जिसको ऐसी सोच है उसकी। बात कर रहे हो आपका सही मामला होगा, मैं राजस्थान की सरकार को मंत्री हूँ, मन पूजा मन पत्तो को नहीं आला है, अशोक गहलोत मेरा सोरा का टूटिया मा आवे, मैं मेरे मूड देख के वो बात करे या तो राजस्थान में कोई जिलो नहीं बनेगो और बड़ा को जरा उदयपुर वाली बनेगी नीम का थम तो जिंदगी में बड़ी रिस्क कर बन जा तो राजनीति छोड़ दूं। कौन कौन सुनियो संसार, अरे बेटी का बापो आप लोग बावड़ा में कभी था कोई कौन जाए मुझे भाई राज दी गया छोड़े अमर तो बोले मैं सुनो मैं सुनो आ कोई मुझे कोई नहीं अति में गोरी सारी और जूते प्रवाणी में पासन दियो ये है सुरेश मोदी को एमएलए है मैं मंत्री हूं मैं कौन जिला देव अभ्रकर थे उदय प्रवाणी को नाम भूल गो या तो कोई जिला नहीं बने और जे राजस्थान में जिला बने तो बुढ़ो बने को हम बदल फूटिया ढोल नाग बनाओ को काय पर उदय प्रवाणी ने बनाओ आज बुढ़ा ने बनावा है ना अगर बुढ़ो लिखा है तेरे में जुड़ा तो जरा शेर कमी तो कोई नहीं है पर काम दे काम का उलू बना बना क्यों अपना हाथ में है क्या बात काम बना के और बना दी तारी गलती है वो तो बेरी कोई मैं तो बटन फोट न बटन दबाए और वोट दियो। अब ठीक है बाद में जाकर जिस बड़ा अपना लोग बोला साहब मैं बोला जरा मन गए हो तो राजनीति कर रहे इन तो मेरे सिवा क्यों दिखा ही कोनी इन तो झूठ के सिवा क्यों आवा ही कोनी मैं जब मुड़ जाऊं बड़े पोस्ट लगे बड़ा बड़ा एक ना सुरेश मोदी को एक ना राजेंद्र हो पाएगा ना राजेंद्र ना होंगे एक नाम है बिल्कुल आगे फोटो नीचे लिख रहा राजस्थान सरकार को मंत्री को तेरी मालूम आज सरकार में ये आज बाद में मैं झूठा तो कसर नहीं गांव में व्यापार का लोग जिलों पर बैठे पोस्ट लगा रहा कहीं के नेम का थाना को जिला बनाया जाए संघर्ष करो नेम को थाना जिलों पर को बड़े बाद में नेम का थाना स्थान बुलाया माने बुलाया मैं तो गया कभी क्योंकि मैं तो तय कर रहा था मरना यहाँ जीना नहीं इस बूढ़ा को छोड़ के जाना था। उनका कार्यकाल ऐसा है कि उनका तो नीम का खाना नहीं चला जाता, बहुत बड़ा अन्याय हो जाता है झुंझुनू की जनता के सामने क्योंकि झुंझुनू का हमारे बच्चों ने इतिहास पता है कि झुंझुनू सिटी ऑफ मार्टियर्स एंड ब्रेव सोल्जर्स दे आर ऑलवेज एवरीबॉडी ऑल ओवर मदर कि झुंझुनू की माता बहन बेटियों ने जो काम किया है कि माई थिंकिंग माई ड्रीम्स माई एक्शंस माई एक्टिविटी ऑल आर रिलेटेड टू माई मदरलैंड माई ओवन भारत एंड आई फील प्राउड दैट आई वाज बोर्न इन द लैंड ऑफ झुंझुनू की धारा ऐसे कि सूरा नित्य झुंझुनू ये कपन का हाथ इन प्रधान है हमारे बच्चों का भविष्य क्या होता झुंझुनू शेखावाटी सिरमौर है और आज झुंझुनू का जो है शहादत के ऊपर विश्व में ख्याति प्राप्त है नीम का थाना बहुत दूर है यहाँ से और अगर परिस्थितियाँ ये थी कि ये तरीके आज भी चुनाव जा रहे हैं तो लोग हमें गर्व हो रहा है लेकिन नीम का थाना की नजदीक की तरफ आई सुप्रिंटे ने इसके लिए काफ़ी प्रयास किया जगह जगह अमर मिशन की भूख हड़ताल की संगठन को गाँव गाँव में चौपड़ चौपड़ ढाई में जाकर के
लोगों को जागृत किया, तब जाकर हम लोग उनकी प्रेरणा से प्रेरित होकर गांव के अंदर बहुत ही एक सक्रिय रूप से सरकार के सामने अपनी बात रखी कि अगर सरकार कल्याणकारी योजना के तहत अपना निर्णय नहीं बदलेगी तो हम डट करके इसका मुकाबला करेंगे। जनता त्रस खा रही थी, जनता कभी सपने में नहीं सोच सकती थी कि हमारा नीम का थाना में चला जाएगा, लेकिन कुछ ऐसी राजकाज की गतिविधियां थी जिनके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि झुंझुनू जिले के गुड्डा क्षेत्र का जो नजदीक है झुंझुनू के लिए तो उनकी परिस्थितियाँ अगर वहाँ से भी जाएगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए जनता में बहुत गुस्सा था, जनता ये चाहती थी कि झुंझुनू हमारा जिला है, झुंझुनू में रहना चाहते हैं, भाषा बोली समझते। जनता निश्चित रूप से इसका सही बचाव टीम जो है और ये महसूस कर रही है कि हमारा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति सख्त था।